हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फन। आज मैं बना रही हूँ दम बैगन आलू की सब्ज़ी। ये जितना खाने में चटपटा और स्वादिष्ट लगता है, बनाना भी उतना ही आसान है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। दम बैगन आलू बनाने के लिए मैंने बैगन और आलू लिए हैं। आलू मैंने छील लिया है और इन सबको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब इन्हें इस तरह से बीच से कट करेंगे, इस तरह से चार भागों में काट लेंगे। इस तरह से यहाँ से इसकी डंठल को निकालेंगे नहीं। अब इसमें हल्का सा नमक लगा देंगे। इससे ये होता है कि जब फ्राई करेंगे तो नमक अंदर तक अच्छे से चला जाएगा। इसी तरह आलू को भी कर लेंगे, इस तरह से काट लेंगे। अब इनमें नमक लगा देंगे हल्का हल्का। इसी तरह सब कर लेंगे। सबको काट कर मैंने अंदर नमक लगा दिया। अब इसको फ्राई कर लेंगे। एक मैंने पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया मैंने। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें अपने बैगन, आलू डाल देंगे। इसे ढक देंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसे ढक दिया मैंने। धीरे धीरे ये हल्का हल्का अंदर से हो जाएगा। पाँच से छः मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। इसे मैंने बीच बीच में चला दिया था। ये देखिए, अब ये लगभग हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। पैन में मैंने 2 चम्मच तेल और डाल दिया। अब इसमें मैं 2 तेज पत्ता और थोड़ा सा मंगरेला है, सौंफ, राई, अजवाइन, मेथी, जीरा, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। इसे हम लोग क्या पचफोरन भी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा हींग, इसमें कुटा हुआ 2 हरी मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, ये मैंने 2 चम्मच डाल दिया। 5-6 कली लहसुन की है, 1-3 टुकड़ा अदरक का है। इन सबको मैंने अच्छे से कूट लिया था। अदरक और लहसुन से फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आता है। ये हल्का पक चुका है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने 2 टमाटर लिया था, इसे मिक्सी में पीस लिया है।
बहुत बारीक नहीं किया है। अब इन्हें अच्छे से भून लेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। टमाटर और प्याज ये देखिए किनारों से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें अपने मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक मैं थोड़ा डाल दे रही हूँ। बैंगन और आलू में मैंने पहले ही थोड़ा नमक लगाया था तो नमक का ध्यान रखें। तो मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। इसे चलाते रहें नहीं तो मसाले नीचे से जलने लगेंगे। अगर आपके मसाले जल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, इससे मसाले जलते नहीं हैं। बहुत ही थोड़ा पानी डालें। अभी इन्हें अच्छे से भून लेंगे। दो से तीन मिनट हो चुका है, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसने तेल को रिलीज कर दिया है, ये देखिए। अब इसमें मैं बैंगन जो फ्राई किए हुए थे, आलू बैंगन सब डाल दूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे ढक देंगे। थोड़ी देर हो गया इसको पकते हुए। ये देखिए मसाले बैंगन और आलू के अंदर तक चले गए हैं। अब इन्हें आराम से चलाएं नहीं तो बैंगन टूट जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर अमचूर मिला दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे मैं लास्ट में अमचूर डाल रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से मसाला और बैंगन आलू सब पक चुके हैं। अब इसमें एक कप पानी डाल दिया मैंने। इसे मैं बहुत पतला इसकी ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, गाढ़ी रहेगी। इसे अच्छे से चला दें। इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे पकने के लिए। चार से पाँच मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का। इसकी ग्रेवी भी ठीक हो चुकी है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। अब आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। दम बैंगन आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूड़ी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खाएं, सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे घर में अपने ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये कैसा बना है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।